सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा देने वाली पुलिस का एक बड़ा कारनामा सामने आया है। युवक युवती को थाने में जमकर पीटा, जबरदस्ती हाथ पर राखी बंधवाई, तीन पुलिस कर्मियों पर हुई FIR दर्ज, SI पर हुआ छेड़छाड़ का आरोप। पूरी खबर विस्तार से बता देते हैं। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में एक युवक और युवती को थाने के भीतर पुलिस कर्मियों ने जमकर पीट दिया, जबकि मामले में कोई शिकायत ही दर्ज नहीं हुई थी। इतना ही नहीं, युवक के हाथ पर युवती से राखी भी बंधवाई गई। इस मामले में धारूहेड़ा थाना में एक SI महिला हेड कांस्टेबल सहित तीन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। युवक को निर्वस्त्र करके थाने में जमकर पीटने का आरोप लगा है। इस पूरे केस में पीड़िता की तरफ से रेवाड़ी पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी गई थी। मामले की जांच SSP की तरफ से की गई। उनके द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता ने सब इंस्पेक्टर पर थाने के भीतर ही छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। पुलिस अधीक्षक को दी शिकायत में रेवाड़ी जिले के कस्बा धारूहेड़ा की रहने वाली एक युवती ने बताया कि 12 जुलाई को उसके एक परिचित युवक की कॉल आई और उसे धारूहेड़ा थाने में आने के लिए कहा गया। उसे बताया गया कि सब इंस्पेक्टर लेखराम उससे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। जब वह थाने पहुंची तो उसका परिचित युवक व उसकी पत्नी बैठे हुए थे। थाने में पहुंचते ही SI लेखराम ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए जाति सूचक शब्द भी बोले। SI ने गलत नीयत से छुआ और छेड़छाड़ की। SI लेखराम ने उससे थाने में बैठकर परिचित युवक के हाथ पर जबरदस्ती राखी बंधवाई और युवक से उसे 1,000 रुपए भी दिलवाए। बाद में वह 1,000 रुपए भी ASI ने ले लिए और दोबारा से धारूहेड़ा में दिखाई देने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर वहां से भगा दिया। हम आपको बता दें, SI द्वारा इस मामले में कोई शिकायत भी दर्ज नहीं की गई थी। बगैर शिकायत दर्ज किए सभी को थाने में बुलाया गया। SSP की रिपोर्ट के बाद धारूहेड़ा थाना में पीड़िता की शिकायत पर SI महिला हेड कांस्टेबल व SPO के खिलाफ मारपीट व छेड़छाड़ धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। तो आप समझ सकते हैं ये खबर कितनी बड़ी है, किस तरीके से सेवा सुरक्षा का और सहयोग का नारा देने वाली हरियाणा पुलिस की ये बड़ी करतूत सामने आई है। जाहिर है अब पुलिस इसमें अपनी कार्रवाई करेगी।